सदानंद पति, दोस्तों आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आया हूं वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ना ही मैं राजनीति की बात करता हूं, लेकिन कल रात से कतई भी सो नहीं पाया हूं क्योंकि जिस मुद्दे को आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं वो बहुत भावनात्मक नहीं है, बहुत शोध का विषय है और लाखों बच्चों के भविष्य की बात है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी 2018 की। एसएससी जीडी 2018 दोस्तों, जिसके लिए मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीएपीएफ, असम राइफल, एसएसएफ, एनआईए में कॉन्स्टेबल्स की जो 2018 की, राइफलमैन की जो 2018 की जो भर्ती है, आज मैं उन लाखों बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जिनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, ना ये कमीशन और ना ये बहरी गूंगी सरकार। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एसएससी 2018, फिर से आपको बताऊंगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2018 जीडी के लिए, जिसकी भर्तियां होती है सीएपीएफ, असिस्ट असम राइफल, एसएसएफ, एनआईए के कांस्टेबल, उन बच्चों ने 2018 में फॉर्म भरा था, 2018 में दोस्तों, और 3 साल हो गए दोस्तों, आज तक उन बच्चों के भविष्य के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई भी मंत्रालय उनको झांकने नहीं आ रहा है दोस्तों। कितनी बुरी स्थिति है, जो सरकार ये कहती है, रोजगार की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, आखिर एसएससी के यूपीएससी के बच्चों के बारे में कब बात करेंगे दोस्तों, कब? मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था 2018 में, 55 लाख, और दोस्तों 30,50,000 लोगों ने इसका कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम दिया। 30,50,000 बच्चों ने एसएससी 2018 में इम्तिहान दिया। उनका जज्बा था देश के लिए सेवा करने की, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो जाने के लिए, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए। ये लाखों युवक, 55 लाख युवकों ने इस फॉर्म को भरा और 30,50,000 युवकों ने और युवतियों ने इस इम्तिहान को ऑनलाइन दिया दोस्तों। लेकिन आज वो कहां है, आज उनमें से कितनों को भर्ती लिया जा रहा है, आज ये वीडियो उनके लिए समर्पित है। मैंने आज तक कभी नहीं बोला दोस्तों कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए, कभी नहीं बोला। मैं आज भी आपसे नहीं कहूंगा कि मेरी पेज को आप लाइक कीजिए, लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा कि एसएससी के इन लाखों बच्चों के लिए जिनकी उम्र निकल जा रही है, एसएससी जीडी 2018 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बच्चों के लिए आज मैं कहूंगा कि आज आप लोग ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। उनकी दर्द है इसके अंदर, कारण बताना चाहूंगा दोस्तों किस लिए, क्योंकि 1,09,552 बच्चे मेडिकली फिट हो गए हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, हो सकता है ये आंकड़े 500,000 आगे पीछे हो, फिर से बोलूंगा, 1,09,552 बच्चे जो हैं वो मेडिकली फिट हो गए, रिटन टेस्ट पास कर गए, सोचिएगा, फिजिकल टेस्ट पास कर गए, मेडिकल टेस्ट पास कर गए, लेकिन उसके बावजूद एसएससी 2018 में जिसकी भर्तियां होती है सीएपीएफ, एसएसएफ, असम राइफल और एनआईए के लिए, आज तक उन बच्चों को भर्तियां नहीं ली जा रही है। और इस 21 जनवरी 2021 में एक ऑर्डर आता है और उनका एक प्रोसेस आता है कि हम लोग जो है 54,000 या 52,000 बच्चों को लेंगे, केवल 54,000 या 55,000 बच्चों को। उन बच्चों का क्या दोस्तों, 1,09,552 ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, जिन्होंने मेडिकल की टेस्ट भी क्लियर कर लिया, शारीरिक का टेस्ट भी क्लियर कर लिया, रिटन टेस्ट भी क्लियर कर लिया, अपना जीवन भर का ख्वाब। और आपको बता दें 18 साल से 23 साल के ये बच्चे हैं और 2018 की ये भर्ती जो वैकेंसी आई थी, आपको बताना चाहूंगा अब उनका इनमें से ज्यादातर बच्चों की एज ओवर हो जा रही है, ज्यादातर बच्चे अब किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे इस तरह के फोर्सेस का, उनके भविष्य का क्या, उनके कैरियर का क्या। और मजे की बात देखिए दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप सोचिएगा, नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री है, नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने सदन में इस बात को बोला कि 1,11,000 वैकेंसी रिक्त है,
111,000 जो हैं वो पद खाली है। दोस्तों अगर पद खाली है तो इन सभी बच्चों को क्यों नहीं लिया जा रहा है जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, मेडिकली फिट हो चुके हैं। और अब क्या हो रहा है पता है दोस्तों, 0.02% से बच्चों को छोड़ दिया जा रहा है। मैंने कल पूरी रात मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज आए बच्चों के, कोई कहता है मैं नक्सली बन जाऊंगा, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कौन होगा इनके जीवन के लिए जिम्मेदार, इनके करियर के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन देगा इनके सवालों का जवाब? मैं आज पूछता हूं, मैं आज पूछता हूं दोस्तों, कौन देगा इन सवालों का जवाब? मैं रेबेल हूं, बागी हूं। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि 14 फरवरी को जंतर मंतर में ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको पहले एक बात का अनुरोध करूंगा कि आप लोग परमिशन जरूर लें, गैर कानूनी तरीके से कोई काम ना करें। दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से आप परमिशन लें। जब आप परमिशन ले लें, रेबेल फाउंडेशन आपके साथ खड़ा है। मेरा मन 2400 घंटा आपके लिए खड़ा है, मैं 2400 घंटे सातों दिन आपके लिए समर्पित हूं। लेकिन एसएससी 2018 के जीडी के भर्ती के लिए लाखों भाई और बहनों, जो मेरे भारतीय भाई और बहन जिनके दिल में ये जज्बा है कि अपने देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, उनके अरमानों को हम टूटने नहीं देंगे। जब नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री है और वो ये कहते हैं दोस्तों कि लगा लीजिए 111,000 पद खाली है, 111,000 पोस्ट आर वेकेंट। अगर वेकेंट है तो इन बच्चों को पूरी तरह से क्यों नहीं लिया जा रहा है? केवल 50,000 या 52,000 बच्चे आप क्यों लेंगे? और आप जो नई वेकेंसी निकाल रहे हैं, नई वेकेंसी बाद में निकालिए, पहले उन बच्चों को लीजिए जो मेडिकली फिट है। दोस्तों 109,000 बच्चे पास कर चुके हैं, मजाक है उनके जीवन के साथ। 3 साल तक आप रिजल्ट नहीं देते, 3 साल तक आप उनका उत्तर नहीं देते, और जब उनकी उम्र निकल जाती है, सीमा निकल जाती है, वो कहां जाएंगे, कहां नौकरी करेंगे? दोस्तों 135 करोड़ जनता में आप 50,000 वैकेंसी दे रहे और पद खाली है 111,000, कौन देगा आपके सवालों का जवाब? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जी अमित शाह, आप लोगों से जल्दी में मिलने वाला हूं और पूरे तमाम लोगों के साथ मिलूंगा। क्या देश के युवकों और युवतियों के साथ अन्याय होता जाएगा? मेरे साथ कल पूरी रात देश के कोने कोने से मेरे भाई मेरे बहन थे जो रो रहे थे फोन पे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने रो के मुझसे बोला, रेबेल आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बात उठाएं। मैं कोई राजनीति नहीं करता, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, मैं एक बागी हूं। और मेरी आवाज और मेरा मंच तमाम उन लोगों के लिए जहां सरकारी तंत्र उन्हें सताता है, वहां मैं उनके लिए खड़ा होता हूं, चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं इस मुहिम से पीछे नहीं हटूंगा। आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने पैरामिलिट्री के लिए कितने सारे सवाल उठाए, मैंने पुलिस वालों के लिए कितने सवाल उठाए दोस्तों, उनको क्यों नहीं मिलता है पेंशन, उनको क्यों इनकम टैक्स देना पड़ता है? और ये मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, माननीय मोदी जी और तमाम जितने भी लोग हैं राहुल गांधी से लेकर हर कोई, इनको क्यों इनकम टैक्स फ्री की तनख्वाह मिलती है, क्यों पेंशन मिलती है? कौन बात करेगा एसएससी जीडी 2018 के लिए, कौन बात करेगा? हम जैसे बागी बात करेंगे, लाखों करोड़ों भारतीय बात करेंगे। दोस्तों मैं अनुरोध करूंगा जो लोग 14 फरवरी में इस आंदोलन को करना चाहते हैं, पहले वो दिल्ली पुलिस से, दिल्ली की सरकार से अपनी परमिशन ले, कानूनन चले, कानून अपने हाथ में ला रहा, कोई भी हिम्मत ना हारे। हिम्मत मरदा मरदा से खुदा बोलते हैं ना, हिम्मत मत हारिएगा। हम भारतीय, हिम्मत हारना हमारी फितरत नहीं। इन नेताओं के डंका बजा देंगे, एक सीट बजा देंगे। मैं मिलूंगा गृह मंत्री से, मैं मिलूंगा राजनाथ सिंह से, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आप लोग जब चाहे 888-000-92747 मेरा सोशल मीडिया का नंबर है, अभी इस वक्त बंद है क्योंकि मैं लाइव हूं, आधे घंटे में ऑन हो जाएगा। मेरा सोशल मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर 888-000-92747। आप आइए मेरे साथ, आप बुलाइए मुझे, जिस जगह बोलेंगे मैं उस जगह जाता हूं, मैं बंद कमरों में नहीं होता हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुख्यालय पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर, इस वक्त भी मैं पुलिस को सामान्य जगह गरिमा के साथ खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि इनकी भी आवाज में उठाता हूं, मैं सारे चरित्र चित्रण दिखाने का प्रयास करता हूं, इनके लिए भी मैं लड़ता हूं, इनके हक के लिए लड़ता हूं, लेकिन एसएससी 2018 के लिए हमारी लड़ाई नहीं कमजोर होगी। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, 109,000 लोग मेडिकली फिट है, मेडिकली फिट, और ये कहते कि 54,411 लोगों को लेंगे, और अब आप नई वैकेंसी निकाल रहे हैं, उन बच्चों का क्या? जो बच्चे मेडिकली फिट है उन्हें आपको लेना पड़ेगा, उनका भविष्य आप नहीं खराब कर सकते। आप एक नौकरी नहीं दे पा रहे,
आप बातें करते पांच ट्रिलियन इकोनॉमी की, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपका पांच मिलियन ट्रिलियन अब ट्रिलियन इकोनॉमी, इसे आप कहते हैं अपनी जीत, इसे आप अपना सक्सेस बताते हैं। लानत है जुमलों पे, धिक्कार है झूठे वादों पे। नहीं चाहिए अच्छे दिन, नहीं चाहिए 15 लाख, नहीं चाहिए जीएसटी, चाहिए तो इन बच्चों का भविष्य। हर बच्चा घर से निकलेगा, आप जानते हैं जिन बच्चों की जीवन का ये दौर चला जा रहा है, जिनकी एज ओवर लिमिट हो जा रही है, वो क्या करेंगे? पकौड़े बेचेंगे, चाय बेचेंगे, ऐसे करके अपने जीवन का उपार्जन करेंगे? जिनके दिल में जज्बा था कि मैं मातृभूमि के लिए शहीद होना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं मातृभूमि के लिए, सेवा करना चाहता हूं भारत के लिए, उनको मौका कौन देगा? दोस्तों, ये 54,411 केवल वैकेंसी नहीं चलेगी, 1,09,000 से ज्यादा लोग मेडिकली फिट है। दोस्तों, उन लोगों को ये नौकरी देनी चाहिए। नई रिक्रूटमेंट तब कीजिए जब पुराने बच्चों का आप उनका हक दे सके, जो 2018 से आपकी अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, बैड गवर्नेंस से आज अपने घर में इतने पैसे खर्च कर चुके हैं, टेस्ट में, ट्रेनिंग में, आप जानते हैं कोचिंग में कितने खर्च होते हैं। लोअर मिडिल क्लास, दलित, गरीब, जनरल कैटेगरी के हमारे सारे भाई बंधु जो साधारण घरों से आते हैं, उनके सपनों पे पानी नहीं फेरने दूंगा, बाजी हूं बगावत करूंगा, लेकिन कानूनन संवैधानिक तौर पे संविधान पे हमारा यकीन है। ये तो शुक्र है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का, जिन्होंने हमें कुछ बोलने दिया, नहीं तो आप किसानों को कुचलते हैं, छात्रों को कुचलते हैं, विपक्ष को कुचलते हैं, मजदूरों को कुचलते हैं, आप केवल जुमले देते हैं, झांसा में आप, कोई दम नहीं आपके अंदर। जवाब दे दीजिए मेरे सवाल का, 2018 एसएससी जीडी के जो बच्चे जो चुने गए, जो मेडिकली फिट है, तमाम टेस्ट पास कर चुके, 3 साल से आप क्यों नहीं दिखा पा रहे? कौन भरेगा इनके लिए? कौन भरेगा इनके लिए? मैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी साथ ही शीघ्र मिलने वाला हूं, पूरे डेलीगेट्स के साथ, और मैं वीडियो के माध्यम से आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, आज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने कभी नहीं बोला, आप मेरे पेज को लाइक मत कीजिए, जरूरत नहीं है, मुद्दे को देखिएगा, अगर मुद्दा अच्छा लगे तो हमारे साथ आइए। ये देश के नौजवानों का मुद्दा है, या व्यापारी की बात नहीं करेंगे, या व्यापार 5,000 ट्रिलियन बिलियन की बात नहीं करेंगे, या जीडीपी की बात नहीं करेंगे। मेरे देश के लाखों बच्चों का भविष्य आज अंधेरे में टिका है। ये सरकार, ये अंधी गूंगी, ये जो सरकार है बीजेपी की, पूरी तरह से नाकाम है। ये बच्चों पे लाठियां बांधते हैं, अगर कोई हक मांगने जाए उन पर लाठीचार्ज करते हैं, किसानों को धमकाते हैं। अब ये धमकियां नहीं चलेंगी, और सुनिएगा गौर से, हम किसी को भड़का नहीं रहे, अपना हक मांग रहे। इन्होंने टेस्ट पास किया है, एसएससी 2000 जीडी के 2018 के बच्चों ने मेडिकल का टेस्ट, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट पास करके बैठे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? बातें करते हैं आप, कहां है स्टाफ सिलेक्शन, कहां है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कहां पे मुझे बताइए एक बार, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहां है? आ सकते हैं बच्चों के बीच, है हिम्मत, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास, उन बच्चों को ले आएंगे, उन बहनों को ले आएंगे, उन भाइयों को ले आएंगे, उनका हक नहीं खत्म होने देंगे। दोस्तों, अब अपना हक लेके रहेंगे, उनके माँ बाप के सामने वो खड़े नहीं हो पाते, मेंटली ब्रेकडाउन हो गया है, आप सोचिएगा, डिप्रेशन में आ रहे हैं। कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? आखिर कौन है इन सुसाइड का जिम्मेदार? कौन है इनके जीवन भर के करियर का जिम्मेदार? ये प्रश्न नहीं है, ये लोगों का दर्द है, और अब ये दर्द भारत नहीं सहेगा, नहीं सहेगा भारत, कोई भारतीय नहीं सहेगा। हम सब आपके साथ हैं। मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन का फाउंडर, आप लोगों से वादा करता हूं, एसएससी 2018 के जितने मेरे भाई बहन हैं, सैल्यूट आपके हिम्मत के जज्बे की, मैं आपके साथ चौड़े में खड़ा हूं, हर जगह आपके साथ खड़ा हूं, चाहे मुकदमा लगे लगे, आपकी लड़ाई में लड़ के रहूंगा। जय हिंद।